यहाँ लिखा ना, मरण जिन्होंने वेदा था वे भी उसे देखेंगे, यानी जिन्होंने उसे सूली पे चढ़ाया, जिन्होंने उसे कांटे बनाए, जिन्होंने उसको 39 कोड़े मारे, जिन्होंने उसके हाथ पैरों में कीले ठोकी, जिन्होंने उसके पसली में भाला मारा, वो भी देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में, और प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य में हमने बताया था कि आउटलाइन जो उसके रूपरेखा है वो 7 भागों में बटी हुई है, और पहली जो भाग था प्रस्तावना, जिसके बारे में हम जान चुके हैं, ये दूसरा भाग है जहां 7 कलीसियाओं के नाम पत्र है, और इसके बारे में हम जानकारी जो है प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 6 पद से, जहां पर परमेश्वर ने ये लिखा है या ये कहा है कि परमेश्वर ने हमें एक राज्य बना दिया और परमेश्वर ने हमें अपना याजक बनाया है, और लिखा है कि उसकी महिमा और पराक्रम जो है वो युगान युग तक है, आमीन। ये चीज जो है हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 6 पद में हम लोगों ने सीखा था। आज हम बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से, खासतौर से प्रकाशित वाक्य से सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7वां पद। 7वें पद को पहले पढ़ लेते हैं कि 7वें पद में लिखा क्या है। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7वां पद। यहां लिखा है, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हां आमीन। इस पद में जो भाग है पहले उसका वर्णन कर लेते हैं। पहला जो भाग है इस पद का, वे बादलों के साथ आने वाला है। दूसरा है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हां आमीन। इन सब के बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप यानी एक एक करके सीखेंगे कि आखिर परमेश्वर का वचन जो है हमसे क्या कहना चाहता है, इसकी गहराई क्या है, इसके भेद क्या है। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो भेदों से भरी हुई है, और इसके एक एक पॉइंट को समझना, मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी फिर कह रहा हूं, इसके एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आत्मिक जीवन से जुड़े हुई बातें हैं और ये अंत समय की बातें हैं, और अंत समय में इन बातों को जानना और इसको प्राप्त करना, इसको ग्रहण करना और इसके अनुसार जीवन जीना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की हर छोटी सी छोटी बातों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत ध्यान से सुने। ये मत सोचिएगा कि एक पद के कितने भाग हो रहे हैं या कितनी चीजों का वर्णन, ये देखिए कि एक पद में परमेश्वर की गहराई कितनी छुपी हुई है और कितनी गहराई के साथ वो इन बातों का वर्णन कर रहा है। और जो बहुत से बार आपने देखा होगा कि प्रकाशित वाक्य को बहुत जरा सा बताकर बता दिया जाता है और खत्म कर दिया जाता है, उसके साथ हम इंसाफ नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ इंसाफ होना चाहिए। चलिए पहला भाग जो है, पहला जो भाग है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 पद का, वह बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन की जब हम बात करते हैं तो कई जगह नए नियम में जो है खासतौर से ज्यादातर ये लिखा कि वो बादलों के साथ आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है, और इस तरीके से जो है कई जगह ये वर्णन जो है कई जगह हमें मिलता है। हम विशेष तौर से मती 24:30 पढ़ेंगे, मती 26:64 पढ़ेंगे, मरकुश 13:26 पढ़ेंगे, लूका 21:27 पढ़ेंगे, बादलों पर या बादलों के साथ आता देखेंगे, बहुत सी जगहों में लिखा। और ये सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगहों में लिखा हुआ है जो हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, आप खुद घर पे पढ़ लीजिएगा कि वो बादलों के साथ आने वाला कई जगह कई बार लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को कहता है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं, खासतौर से डैनियल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो डैनियल ने सपना देखा है और डैनियल इस बात की भविष्यवाणी भी करता है, यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ वो देखता है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, डैनियल जो है एक सपना देख रहा है और वो प्रभु यीशु मसीह की उस आने के बारे में और खासतौर से बादलों पर आने के बारे में बातचीत कर रहा है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं डैनियल 7 अध्याय उसका 13वां पद है, यहां लिखा हुआ है, मैंने रात में
स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। सबसे बड़ी बात क्या है यहां लिखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा और वे देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अभी हम बादलों के बारे में बात करेंगे, मगर यहां पर एक चीज आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या देख रहा, मनुष्य सा कोई, मनुष्य के संतान सा कोई। आप जानते हैं मनुष्य का संतान या मनुष्य का पुत्र किसको कहा गया, जब आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे, जब नए नियम में पढ़ेंगे, और यीशु मसीह खुद कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। तो यहां मनुष्य की संतान का मतलब मनुष्य के पुत्र से है या और परमेश्वर के पुत्र से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से है। और वो डैनियल जो है इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि वो आकाश के बादलों पर आ रहा है। आप जानते हैं बादलों का अर्थ क्या है, वैसे अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल में बादलों का जो है बहुत अर्थ दिए हुए हैं। आवारा बादल भी कहा गया है, डामाडोल बादल भी कहा गया है, और निर्जल बादल भी कहा गया, बहुत से मतलब अर्थ जो है बादलों का अर्थ बहुत सी बातों को लेकर है। परंतु यहां पर जो बादलों के साथ आने वाला है यहां पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ इस अर्थ की बात करेंगे कि बादलों के साथ आने वाला है इसका क्या अर्थ है। बादलों के साथ आने वाले का जो अर्थ है इसका मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो प्रकट होने वाली है, या परमेश्वर अपनी जो है, बादलों का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो इस दुनिया के अंत में जब वो आएगा तो वो परमेश्वर की उपस्थिति होगी। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में आप देखेंगे, उसके ईश्वरीय रूप को आप देखने पाएंगे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बादल कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। मैं कुछ वचन पढ़ता रहूंगा, वो आप ध्यान दीजिएगा। सीरियल भाई में कुछ पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको यह पता चल जाए कि हाँ बादल का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का प्रकट होना। यहां पर लिखा है निर्गमन 16 का 10 पद, ध्यान दीजिएगा निर्गमन 16 का 10। और ऐसा हुआ कि जब हारून इसराइलियों की सारी मंडली से ऐसी बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा यहोवा का तेज उन्हें क्या कहां दिखाई दिया, बादल में दिखाई दिया, यानी परमेश्वर का जो प्रकट होना वो कहां दिखाई दे रहा है, बादलों पर। परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो बादलों में दिखाई दे रही, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। निर्गमन 19 का 9 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा सुन मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं। अब यहां पर क्या कहा है कि मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा से कि मैं बादलों के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं। बादलों के अंधियारे में होकर यानी काली घटाओं के ऊपर बैठकर, बादलों का अंधियारा जो है जब आप देखते हैं जब काली काली घटाएं आती हैं तो अंधेरा सा छा जाता है, ये उस बात की बात कर रहा है कि काली घटाओं में होकर आता हूं। और कई बार काली घटाओं का भी वर्णन दिया गया है, देखते हैं हम परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर जो है अपने बादलों में आने का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकट होना है यहां पर जो दिखाया जा रहा है। इस बात को इन पदों को इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप ये बात अच्छे से समझ लें कि यीशु मसीह का बादलों के साथ आने का अर्थ क्या है। क्यों बार बार ये कहा कि वो बादलों पर आएगा, वो बादलों के साथ आएगा और वो बादलों पर आएगा, ये बहुत सी बातों का ये जो है वर्णन किया गया, क्यों किया गया है। ये इसलिए इन पदों को पढ़ाया जा रहा ताकि आप समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर नहीं आ रहा है या कोई मामूली व्यक्ति बनकर नहीं आ रहा, बल्कि वो परमेश्वर बनकर आ रहा है, वो परमेश्वर की वो परमेश्वर के रूप में आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा है, जो वो परमेश्वर का जो आदर्श रूप है वो प्रकट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का। निर्गमन 19 का 16 से 17 पद तक ध्यान दीजिएगा, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजलियां चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। देखिए मैं अभी काली घटा का वर्णन कर रहा था, आ गई काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ
और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए थे। अब यहां देखिए, ध्यान देने की बात है कि बादल गरजने लगे और काली घटा जो है वहां पर पर्वत पर छा गई, बिजली चमकने लगी और एक बड़ा नरसिंगे का बड़ा सा भारी शब्द हुआ। ऐसा शब्द, ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि वहां पर क्या उन्होंने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति हुई। और जब परमेश्वर उपस्थित हुआ, इन देखिए इन चीजों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है, और मूसा तब उनको परमेश्वर के पास ले आया। बिल्कुल साफ ये बात जो है वो लिखी हुई है। निर्गमन 24 का 16 पद देखेंगे। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच से पुकारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 दिन तक मूसा जो था, जब परमेश्वर जो था मूसा को कहा सीने पर्वत पे ऊपर बुला लेता था। देखिए मूसा ही को बुलाता था वो, और जब मूसा सीने पर्वत पे ऊपर चला गया, क्योंकि वो 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने उसको दिए, मतलब पत्थर की 2 पट्टियां थी परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर दी, और बहुत सी और आज्ञाएं दी, और परमेश्वर ने व्यवस्था दी, और बहुत से नियम, बहुत सी विधियां जो हैं परमेश्वर ने उसको दी मूसा को, और मूसा परमेश्वर बोलता गया और लिखता गया, मगर 10 हुक्म जो थे परमेश्वर ने स्वयं लिख कर दिए। तो इसलिए परमेश्वर उनको इन सब बातों के लिए, ये सब बातें करने के लिए मूसा को बुला लेता था, और जब बुलाता था तो बादल छा गए थे। देखिए 6 दिन तक मूसा उसी बादल के बीच में बैठा रहा, और 7वें दिन परमेश्वर ने कहां से पुकारा, बादलों के बीच में से पुकारा। यानी परमेश्वर की उपस्थिति जो है बादलों के बीच में दिखाई दे रही है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। निर्गमन 40 का 35 पद है। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। देखिए अब जो निवास स्थान था, जो तंबू था, परमेश्वर जो था निवास स्थान में रहता था, मगर कब रहता था यह ध्यान देने की बात है। महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक रखा हुआ था, उस वाचा के संदूक पर जो था परमेश्वर वहां विराजमान होता था। अब बादल के साथ जो है वो वहां पर विराजमान होता था। आप कभी भी बादल, जब वाचा के संदूक के बारे में पढ़ेंगे तो बिजलियां कड़की और भुडोल हुआ और इस तरीके का जो है वहां पर वाक्य दिया गया है, बादल से संबंधित है, गर्जन का से संबंधित जो बात है। तो वहां पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो प्रकट होती है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति बताता है कि मैं यहां पर जो हूं उपस्थित हो चुका हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर उपस्थित हो चुका हूं। अब ध्यान दीजिएगा, नए नियम में बादल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति, देखिए नए नियम में भी है। यह नहीं है कि सिर्फ हम पुराने नियम में से पढ़ रहे हैं। अब बहुत से कहेंगे ये तो पुराने नियम की बात है, पुरानी बातें हैं, परंतु नए नियम में जो है वो कहां पर है। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं मती 17 अध्याय और उसका 5 पद। यहां क्या लिखा है, मती 17 का 5। वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। देखिए नए नियम में भी अगर हम देखें, परमेश्वर बादल में अपनी उपस्थिति को प्रकट कर रहा है। अब सबसे पहले क्या चीज आता है, सबसे पहले आता है बादल जो है वो वहां पर जितने भी लोग हैं वो छा लेते हैं। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह पहाड़ पर है और उसका रूपांतर हो गया और एलिया और मूसा उससे बात कर रहे हैं। तब पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम यहां पर 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। और तभी वो जब ये कह ही रहा होता है तो एक उज्जवल बादल ने जो है, एक चमकीले बादल ने जो है उनको छा लिया, उनके ऊपर छा गया, उनके ऊपर ठहर गया, और उस बादल के बीच में से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। देखिए परमेश्वर की उपस्थिति, यानी यीशु मसीह का बादलों पर आने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह आकाश के बादलों के साथ आ रहा है, यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, यानी परमेश्वर जो है वो आ रहा है, और यीशु मसीह जो है परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, अब वो परमेश्वर की उपाधि में आ रहा है, जो उपाधि है उसकी। आप जब आप पढ़ेंगे कुलुसियों 1:15 जब आप पढ़ेंगे कि वो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है, ये वही परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर के रूप में प्रकट होकर आ रहा है,
देखिए यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां पर मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति नहीं है, यहां पर वो बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है, बल्कि वो न्याय करने के लिए आ रहा है और इस दुनिया का अंत करने के लिए आ रहा है और उन पापियों को भी सजा देने के लिए आ रहा है जो उस जो पापी थे और उससे हमेशा दूर रहते थे। यहां पर आपने समझा कि बादल का मतलब क्या है। अब दूसरा जो पॉइंट है, हर एक आंख उसे देखेगी वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे। अब यहां पर यह समझने की बात है, हर एक आंख का मतलब क्या होता है, यानी हर एक आंख का मतलब होता है दुनिया के हर व्यक्ति, हर जाति के लोग, हर देश के लोग, हर शहर के लोग, हर गांव के लोग, हर प्रदेश के लोग, हर कस्बे के लोग जो हैं वो उसे देखेंगे। यहां पर देखने का मतलब क्या है कि हर एक आंख का मतलब है देखने का, और हर एक आंख का, एक बात और बता दूं मैं, हर एक आंख का मतलब है चाहे वो पृथ्वी के ऊपर जीवित हो चाहे वो अधलोक में मुर्दे पड़े हो, हर एक आंख उसे देखेगी। यह अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे, यहां लिखा ना वरन जिन्होंने वेदा था वे भी उसे देखेंगे, यानी जिन्होंने उसे सूली पे चढ़ाया, जिन्होंने उसे कांटे पनाए, जिन्होंने उसको 39 कोड़े मारे, जिन्होंने उसके हाथ पैरों में कीले ठोकी, जिन्होंने उसके पसली में भाला मारा, वो भी देखेंगे। कहां से? इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा और परमेश्वर का रूप धारण करके आएगा, परमेश्वर बनकर जब वो आएगा, क्योंकि उससे पहले पहला आगमन मनुष्य बनकर आया, अब वो परमेश्वर होकर आ रहा है, और जब वो और न्यायकर्ता परमेश्वर होकर आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, न्यायकर्ता परमेश्वर होकर आ रहा है। और इसलिए हर एक आंख का मतलब है कि चाहे पृथ्वी पर कितने भी जीवित क्यों ना, और चाहे मुर्दे पड़े हो, चाहे वो प्रभु में मरे हुए हो, चाहे वो पाप में मरे हुए हो, हर एक आंख उसे जो है वो देखेगी। परंतु जो प्रभु में मरे हुए होंगे वो तो जीवित होकर उस कब्र से बाहर निकल आएंगे, परंतु जो मरे हुए होंगे वो पृथ्वी के अंदर अधलोक में ही पड़े रहेंगे और उसे देखेंगे और वैसी छाती पीटेंगे। तो अब तो और भी बुरी दुर्दशा जो है हमारी होने वाली है। और यहां लिखा है पृथ्वी के, तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि देखिए डर किसको होगा, डर उसको, रोएगा कौन, रोएगा वो, डरेगा वो जिसने पाप किया होगा, गलत काम करा होगा, गलती की होगी, और क्योंकि उसे पता है कि अब उसका अंत समय आ गया, उसे पता है कि अब उसको दंड सहने का जो है वो समय आ चुका है। और इसलिए जिसको ये हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि अब हमारा जो है दंड का समय आ गया है, क्योंकि हमने अब बहुत बाहियात बातें कर ली हैं, बहुत झूठ बोल लिया है, बहुत पाप कर लिया है, बहुत व्यभिचार कर लिया है, बहुत चोरी कर ली है, बहुत मार कुटाई कर ली है, बहुत हंगामा इस दुनिया के अंदर हम मचा चुके हैं। अब जितना भी हमने इस दुनिया में हंगामा मचाया है, दुनिया के लोगों को सताया, दुनिया के लोगों को बर्बाद किया, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, अब सोचिए जिन लोगों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, अब प्रभु को आता हुआ देखेंगे तो वो रोएंगे और छाती पीटेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देना, जकरिया क्या कहता है, कैसे रोएंगे, कैसे मतलब वो शोक करेंगे, किस तरीके का मतलब वो दुख जो है उनके अंदर जो है दुख की पीड़ा कैसे उमड़ के आएगी, इसके बारे में जकरिया जो है बहुत अच्छे से इसका वर्णन करता है। बहुत अच्छी भविष्यवाणी करी है जकरिया ने, जब जकरिया 12 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वो जब प्रभु यीशु मसीह को यहां पर कहता ना कि मैं दाऊद के घराने को और जो परमेश्वर के लोग हैं उन पे अनुग्रह करने वाली आत्माओं डालेगा, और प्रार्थना सिखाने वाली जो है, जो प्रार्थना सिखाएगी कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वो आत्माओं डालेगा। और प्रभु अपने वायदे को जो है वो पूरा करता है, उसने जो वायदा करा अपना आत्मा उसने उंडेला, और आज बहुत से लोग उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें सिखाती है कि किस तरीके से प्रार्थना करना, कहता ना आत्मा अपने आप भी आए भर भर के जो है उससे प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना सिखाने वाली जो उंडेली गई, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को वो आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे
तो लिखा हुआ है ऐसे छाती पीटेंगे जैसे उनका पहलौटा, जो किसी का पहलौटा है या इकलौता बेटा है और वो बेटा मर गया, या पहलौटा जो बेटा है वो खत्म हो गया, तो उनको कैसा दुख होता है। अरे मेरा ये एक ही बच्चा था और मेरा पहलौटा था, ये मेरा पहला फल था और मेरे पौरुष का पहला फल था, और ये जो है खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया। जैसे वो अपने पहलौटे के लिए, अपने इकलौते बेटे के लिए, अपनी इकलौती संतान के लिए जिस तरीके से पीड़ा उनके जीवन से निकलेगी या रोता हुआ आपने देखा होगा जिनके ऐसे बच्चे मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, वो पीड़ा जो है प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे, वो भयंकर पीड़ा उनके दिल और दिमाग में उठेगी और वो रोएंगे और बिलखेंगे कि अब हम कैसे बच सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है, इसलिए अभी हम उस सिखाने वाली आत्मा के अंतर्गत हो जाएं, उस अनुग्रह करने वाली आत्मा के अंतर्गत अपने जीवन को ले जाकर उसके हाथ में सौंप दें, ताकि हम प्रभु की अधीनता में बने रहे और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम रोने और पीटने वालों में शामिल ना हो, बल्कि हम खुश होने वालों में शामिल हो कि अब हम, हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है, हम उसके साथ उसके राज में प्रवेश करने जा रहे हैं और 1000 साल तक उसके साथ राज करेंगे। ये था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जहां लिखा हाँ हाँ आमीन। यहां पर आमीन से पहले हाँ क्यों जोड़ा, बड़े ध्यान देने की बात है। हाँ आमीन का मतलब ऐसा ही होगा, वो इसका मतलब क्या है, हाँ ऐसा ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई फेर बदल नहीं है, किसी भी प्रकार कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है उसकी एक एक बात वैसे ही पूरी होनी है और वो पूरी होकर ही रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर क्या, इस आकाश में क्या, अधलोक में क्या, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के लिखे को बदल सके। जो वचन में लिख दिया गया है वो पूरा होगा और वो पूरा हो रहा है, और आप अगर आज की तारीख में भी देखेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम खुश हों, हम रोने और पीटने वालों में शामिल ना हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।